नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों की। दक्षिण पूर्व और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तोकते में तब्दील हो गया है। केरल, गोवा, मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। ये गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादरनगर हवेली तट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी दोपहर से बारिश की उम्मीद है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के साथ साथ गोवा ज्यादातर बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित होगा। हवा की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि पूरे कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों मुख्य रूप से कोल्हापुर और सतारा में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, भारी बारिश भी होगी। भारतीय वायुसेना, नौसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल चक्रवात तोकते से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चक्रवात से अगले कुछ दिनों में देश के पश्चिमी तट पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार सुबह 10 बजे तक भारी बारिश के अनुमानों के कारण लक्षद्वीप में अगत्ती एयरपोर्ट के लिए सभी निर्धारित उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। वायुसेना ने प्रद्वीपियों क्षेत्र में 16 परिवहन विमानों और 18 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन के लिए तैयार रखा है। एक IL-76 विमान ने 127 कर्मियों और 11 टन कार्गो को बठिंडा से जामनगर पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 FIR दर्ज की हैं और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पोस्टर शहर के कई इलाकों में लगाए गए। इनमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। 12 मई को पुलिस को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ये पोस्टर लगे होने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। 13 मई तक सभी पोस्टर हटा दिए गए। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में 19 साल का स्कूल ड्रॉप आउट, 30 साल का रिक्शा चालक, 61 साल का मजदूरी करने वाला शख्स भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि एक प्राथमिकी उत्तर दिल्ली में दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति ने दावा किया है कि उसे 3 पोस्टर चिपकाने के लिए 500 रुपए दिए गए थे। एक अन्य मामला शहादरा में दर्ज किया गया, जहां पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज बरामद की है और इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत का कहना है कि पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन और लोगों ने लापरवाही बरती, जिस वजह से मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। आरएसएस की लेक्चर सीरीज पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने लोगों से ऐसे माहौल में पॉजिटिव रहकर महामारी से लड़ने की अपील की है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ये वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि एकजुट रहने का है। उन्होंने कहा, हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम सब गफलत में आ गए हैं और सरकार, प्रशासन और लोगों ने डॉक्टर्स की चेतावनी के बावजूद पहली लहर के बाद लापरवाही बरती। मोहन भागवत की टिप्पणी इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनकी विचारधारा से जुड़े बीजेपी की केंद्र सरकार मानती है कि उन्होंने सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया। इस साल फरवरी में बीजेपी ने कोरोना पर जीत की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में प्रस्ताव पास किया था। तीसरी लहर के बारे में भागवत ने कहा कि हमें घबराना नहीं है, हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, हमें पॉजिटिव रहना है और खुद को कोविड नेगेटिव रखने के लिए सावधानी बरतनी है। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और मशहूर उर्दू के शायर इकबाल का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विंस्टन चर्चिल की डेस्क पर एक कोट लिखा रहता था, जिसमें लिखा था, इस ऑफिस में निराशावादियों की कोई जगह नहीं है, हम हार की संभावनाओं को रुचि नहीं रखते। इसी तरह इकबाल का एक शेर पढ़ते उन्होंने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार चारों ओर से आ रही हैं। ऐसे में तीसरी लहर की लगातार एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें, कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें, हाथों को धोएं, मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।